सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या .com में। आज हम बनाने जा रहे हैं कैश्यू कुकीज़। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैश्यू कुकीज़ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 150 ग्राम मैदा लिया है, 75 ग्राम बटर लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू लिया है, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस लिया है, 50 ग्राम शुगर पाउडर लिया है। एक बाउल ले लेंगे, बटर रखेंगे, शुगर पाउडर रख लेंगे, इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक मिक्स कर लेंगे। बटर और शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, फ्लफी हो गया है। वनीला एसेंस डाल लेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिक्स करना स्टार्ट करेंगे इसमें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हाथों से इसको बाइंड कर लेंगे। कैश्यू कुकीज के लिए हमारा डो बनके बिल्कुल रेडी है। इसको एक साइड रख लेंगे, गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई में नमक रख के रखेंगे गरम होने के लिए। जब तक हमारा ये बेकिंग के लिए नमक गरम हो रहा है, तब तक बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। जो हमने कुकीज़ का डो तैयार किया है, उससे छोटे छोटे से पोर्शन में नींबू के साइज से थोड़ा सा कम ही लेंगे डो। उसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इसके बीच में ये जो हमने कटे हुए काजू रखे हैं, थोड़ा सा ऐसे फील कर लेंगे इसमें और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। हल्का सा इसको फैला देंगे और जिस भी थाली में हमें बेक करना है, चिकनाई लगा के रख लेंगे और उसमें लगा के रख लेंगे ऐसे करते हुए। एक बार चेक कर लेते हैं, नमक बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, काफ़ी अच्छी हीट आ रही है इसमें। ऐसे जाली रख लेंगे, कोई जाली ना अवेलेबल हो तो प्लेट रख लेंगे कोई सा भी। ये मैंने सारे कैश्यू कुकीज़ बना के ऐसे लगा लिए हैं प्लेट में। जब ऐसे लगाएं तो 1 से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। इसको इसमें कढ़ाई में रख लेंगे, आराम से, बहुत गर्म है। इसको ढक के 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट के बाद एक बार हम इसको चेक कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। बिस्किट को बेक करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो, साइडों से हल्का ब्राउन होने लग गया है, थोड़ा सा और बेक होगा ये। 5 मिनट और बेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बिस्किट। अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं साइडों से डार्क ब्राउन होने लग गया है। तो प्लेट को आराम से हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है, बड़ी सावधानी से निकालनी होगी इसको। और कुकीज़ को निकाल के अलग रख लेंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए। जो बाकी डो बचा हुआ है, उससे बाकी के कुकीज़ हम तैयार कर लेंगे। हमारा कैश्यू कुकीज़ बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार के कैश्यू कुकीज़ बेक करने में मुझे 15 मिनट लगे हैं। ये काफ़ी टेस्टी बना है और अच्छा भी बना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।